नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। जनपद हरदोई के 157 गोपामऊ विधानसभा कांग्रेस प्रत्याशी सुनीता देवी, जिला अध्यक्ष महिला कांग्रेस, पुत्र वधु स्वर्गीय बाबू किंदर लाल, पूर्व सांसद विधायक न्यास बरगदिया में जनसभा को संबोधित किया है। हरदोई में 19 फरवरी 2022 को कांग्रेस प्रत्याशी सुनीता देवी ने ग्राम बरगदिया में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने जनता को ठगने का काम किया है और जो वादे किए हैं वो पूरे नहीं किए हैं। तो वहीं पर बसपा प्रत्याशी को जनता जानती है कि वो कोई विकास नहीं करते हैं। एक परिवार कांग्रेस पार्टी है जो जनता का आशीर्वाद प्राप्त कर बिस्तर कर सकती है और जनता से अपील की है कि आने वाले 23 तारीख को कांग्रेस पार्टी को मतदान जिताने की अपील की। इस मौके पर विनीत कुमार वर्मा, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर रूपरेखा जी, सुनीता गुप्ता, अमेठी भुट्टो मियां, एडवोकेट आमिर सिद्दीकी, रियाज अहमद, कमलेश शुक्ला, रीता देवी, गीता देवी, मनोज कुमार वर्मा और हजारों लोग मौजूद रहे। न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के लिए प्रमोद सिंह। कांग्रेस पार्टी सुनीता देवी, कांग्रेस पार्टी सुनीता देवी, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं चाहूंगा हमारे बीच में सुनीता देवी, कांग्रेस प्रत्याशी, पुत्र वधु स्वर्गीय बाबू किन्नर लाल, पूर्व सांसद विधायक आए, अपने विचारों को रखे। जय हिंद। धन्यवाद भाई। ये मीटिंग हमारे दिलीप भाई से समान और कांग्रेस का सच्चा सिपाही, उन्होंने ये मीटिंग की है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो कांग्रेस के प्रति इतने जागरूक है। यहाँ पर मंच पर बैठे जो लोग हैं, हमारे दूर से चल के आए हैं, उनका मैं अभिनंदन करती हूँ और आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। नमस्कार।